केवलारिया से है, जहां पर थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिरोही लगातार सराहनीय काम कर रहे हैं और जो जनता के दिल में छाए हैं। बता दें 22 तारीख की रात को कस्बा केवलारिया की स्थित मोबाइल दुकान के ताले काटकर चोरों ने 1,55,000 के मोबाइल, बैटरी आदि समेत चोरी कर लिए थे, जिसमें घटना के दूसरे दिन मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रामेश्वर दयाल को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी का माल भी, चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। घटना का खुलासा एसएसपी बरेली के सामने हुआ, जिस पर उन्होंने थाना अध्यक्ष जी की प्रशंसा की। बरेली से संवाददाता सुशील चंद्र वर्मा की रिपोर्ट। किस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और क्या माल इससे बरामद हुआ? थाना केवलारिया में 22-23 की रात्रि को एक मोबाइल की दुकान से मोबाइल का सामान और उसकी जो एक्सेसरीज होती हैं वो सारे चोरी हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और उसके द्वारा ये पूरी चोरी को अंजाम दिया गया था। और साथ ही साथ उसके पास से जो सारे मोबाइल फ़ोन है और उसके एक्सेसरीज हैं वो बरामद हुए हैं, और एक चोरी की मोटरसाइकिल जो उधम सिंह नगर से संबंधित है वो भी बरामद हुई है। कितने मोबाइल बरामद हुए हैं इस पूरे प्रकरण में? 40 मोबाइल फ़ोन हैं और लगभग 200 मोबाइल फ़ोन के कवर हैं, ब्लूटूथ हैं, और उसके जो अन्य एक्सेसरीज हैं वो सारी की सारी बरामद हुई हैं। गैंग का सदस्य है? हाँ, इसके द्वारा बताया गया है कि दूसरे उधम सिंह नगर में एक अन्य लड़का रहता है जिसके पास से। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।